वन स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज के बारे में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है कि आपको पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर पूरे से समझ में आ गया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ओवरव्यू, सेकंड टॉपिक व्हाई इलेक्शंस, इसमें आता है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, थर्ड टॉपिक व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? चुनावी राजनीति। क्या मतलब होता है इसका? चुनावी राजनीति। आप लोग को इलेक्शन के बारे में तो पता ही होगा कि इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, इलेक्शन के मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, और इलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मालूम है। फिर भी मैं स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि इसका ओवरव्यू क्या है। इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी, हमारा जो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन अवर टाइम्स इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दोज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। वी बिगिन बाई अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जरूरी क्यों होते हैं, इलेक्शन का क्या यूज है? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्शन कॉम्पिटिशन एमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल्स। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। द बेसिस आइडिया ऑफ हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 1 में मैंने वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। जो भी हमारा लीडर, हमारी कंट्री का जो भी लीडर इलेक्ट होता है उसको मतलब कैसे उसका इलेक्शन होता है, कैसे उसका चुनाव होता है किया जाता है। इसके साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी होते हैं, इलेक्शन क्यों जरूरी होते हैं और डेमोक्रेसी में यूजफुल है, इलेक्शन डेमोक्रेसी में यूजफुल है। बेसिस आइडिया यह है कि डेमोक्रेटिक और जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या फ़र्क होता है, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या फ़र्क। वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। हम यह भी एग्जामिन करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन में अपना रोल प्ले करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता तो अपना रोल कैसे प्ले करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो मैंने आपको अभी ओवरव्यू वाला पार्ट समझाया। अब मैं नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड टॉपिक व्हाई इलेक्शन। इलेक्शन क्यों होते हैं, व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो एक जो एक पार्ट है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, तो इसमें एक हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन है उसके बारे में बताएगा कि थोड़ा सा इसका मैं डिटेल बताऊंगी आपको कि द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 में हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुए। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई इन अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982 चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल
उसमें एंड फॉर्मड अ न्यू पार्टी लोकदल. हिज पार्टी ज्वाइन ओवर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. इन द इलेक्शन कंपेनी देवीलाल सैड दैट इन हिज पार्टी वन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. दे वर ऑल्सो अटैक्ड बाई देवीलाल्स प्रॉमिस. सो वैन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवर माइटली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट एलाइज. लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 75 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. लोकदल एलोन 160 सीट एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली. द कांग्रेस वुड विद ओनली 5 सीट्स. हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में 1982 से 1987 तक रूल किया. कब तक किया? 1982 से 87 तक किसने? कांग्रेस पार्टी ने रूल किया. चौधरी देवीलाल तब अपोजिशन के लीडर थे. उन्होंने चौधरी देवीलाल ने नया युद्ध मूवमेंट को लीड किया. क्या क्या नया युद्ध मूवमेंट था उसको लीड किया और नई पार्टी लोकदल को फॉर्म किया. चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी बनाई और उसको क्या नाम दिया? लोकदल फॉर्म किया. 1987 के इलेक्शन लोकदल ने दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ, लोकदल एक नई पार्टी बन गई तो लोकदल ने क्या किया? दूसरी अपोजिशन पार्टी के साथ, जो दूसरी विरोधी पार्टीज थी उनके साथ मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट में क्या किया उसने? एक फ्रंट तैयार किया. क्योंकि अभी तक हरियाणा में क्या था? कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी और वो जो कांग्रेस पार्टी थी वो 82 से 87 तक चली. चौधरी देवीलाल आए और उन्होंने क्या किया? एक नया फॉर्म किया और उसने एक नई पार्टी बनाई, लोकदल बनाई, लोकदल को फॉर्म किया और लोकदल के साथ ही अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के अगेंस्ट में एक नया फ्रंट तैयार किया. मतलब वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी आए. इलेक्शन कंपेनिंग में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है, वन करती है, तो वे फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को लोन मतलब ली देंगे. तो इस तरह से उन्होंने जो उनके फार्मर्स थे और स्मॉल बिजनेसमैन थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा कहा. द पीपल वर अनहैप्पी, मगर जो जितने भी लोग थे वो क्या थे? अनहैप्पी थे. विद द एग्जिटिंग गवर्नमेंट इन देवीलाल प्रॉमिस टू अटैक. इसलिए जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने क्या किया कि लोकदल के लिए वोट दिया. पीपल ने क्या किया इलेक्शन में? तो लोकदल के लिए वोट किया. लोकदल में क्या हुआ? उनको 90 सीट्स मिली. 90 सीट में 76 सीट्स किसको मिली? लोकदल को मिली. कांग्रेस में सिर्फ 5 सीट मिली. अब कांग्रेस को कितनी मिली थी? 5 सीट मिली थी, जबकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी. मगर चौधरी देवीलाल के आते ही ये चीज़ें बदलने लगी और लोकदल को 76 सीट्स मिली. इलेक्शन के बाद देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए. चौधरी देवीलाल क्या हुए? चीफ मिनिस्टर बन गए हरियाणा के. उनकी गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल बिजनेसमैन के लोन के वेवियर को ऑर्डर दे दिया. अब उनको क्या हुआ? लोकदल पार्टी बनने से जितने भी हमारे स्मॉल फार्मर्स थे, छोटे छोटे से किसान थे, जितने भी लेबर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, सबको लोन के लिए चौधरी देवीलाल ने जो है मतलब प्रिफर किया कि वो लोग लोन ले सकते हैं. उनकी पार्टी में 4 ईयर तक रूल किया. और चौधरी देवीलाल की जो पार्टी थी वो कितने साल तक रूल करी? 4 ईयर्स तक रूल किया उन्होंने. 1991 में हरियाणा में फिर से इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार लोकदल
दल को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला और कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। मगर जब 4 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो जीत गई। तो इस तरह से मैंने आपको एक हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बताया, इस ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कि वाई इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाई वुमेन इन इलेक्शन, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी होते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, ए रूल ऑफ द पीपल आर पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इन ऑल। द पीपल कैन सिट टूगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिसीजन ऑलरेडी सीन टू चैप्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, नॉट इज इट इज पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन एंड ऑल मैटर्स। देयरफॉर इट मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेज, बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज सच एज अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पर चुनाव क्या होंगे, रेगुलरली होंगे, हर 5 ईयर्स में होते। जैसे हमारे इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल के बाद कोई ना कोई पार्टी आके जीतती है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, ए रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टूगेदर एंड टेक डिसीजन। लेकिन यह लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है, लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जहाँ मतलब अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि पीपल्स के द्वारा ही चुनाव किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव का, एक लीडर का। जैसे हमारे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, हम सब लोग मिलकर ही तो वोट देते हैं, तो हमारे लीडर हमारी कंट्री का लीडर बन किया जाता है जीतता। इलेक्शन इज द ओनली वे टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन इज द ओनली मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, व्हाट मेक्स इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पॉइंट है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। शॉर्ट में इसको समझा के नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो हैंड होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बाय देयर कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। जो हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव जो कराए जाते हैं, वो कई सारे मैनी फेजेस में, कई प्रोसेस में इसका होता है, किए जाते हैं। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शन होते हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं सभी में इलेक्शन होते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ तरह इलेक्शन होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में इलेक्शन नहीं होते, पर उन्हें डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मिनिमम कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए। थैंक यू बच्चों।